पाकिस्तानी फिल्मों का जंगजू हीरो लाला सुधीर, पश्तून आफरीदी कबीला से ताल्लुक रखने वाले शाह जमान खान आफरीदी 1922 में पैदा हुए। फिल्मी दुनिया में लाला सुधीर के नाम से अपना सिक्का जमाया। उन्होंने बॉम्बई में बनने वाली फिल्म फर्ज से फिल्मी कैरियर का आगाज किया, जबकि पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म हिचकोले थी, जिसे दाऊद चांद ने डायरेक्ट किया था। रिलीज के एतबार से ये दूसरी पाकिस्तानी फिल्म थी जिसका एक गीत मैं प्यार का दिया जलाता हूँ तू चुपके चुपके आ जा, जिसे अली बख्श जहूर ने गाया था और मास्टर इनायत हुसैन ने कंपोज किया था। ये किसी हद तक मकबूल होने वाला पहला पाकिस्तानी फिल्मी गीत था जिसकी फिल्म बंदी सुधीर पर हुई। हिदायतकार सबतैन फजली की इंतहाई मेयारी म्यूजिकल तख्लीक 1952 की फिल्म दुपट्टा सुधीर की पहली सिल्वर जुबली हिट फिल्म थी। इस फिल्म की हीरोइन नूरजहां थी। पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली फिल्म के हीरो होने का एजाज भी सुधीर ही को हासिल हुआ, जब एवर रेडी पिक्चर्स की कसीर सरमाए से बनाई गई फिल्म सस्सी ने 50 हफ्तों का संगे मील अबूर किया, जिसमें सुधीर पुन्नू के रूप में जलवागर हुए थे और इनकी सस्सी का किरदार फर्स्ट लेडी ऑफ सिल्वर स्क्रीन सबिया खानम ने अदा किया था। सस्सी से कबल इसी साल लाला सुधीर की गुमनाम भी सिल्वर जुबली हिट मूवी थी, जो निहायत मायार की हामिल थी और बहुत आला मुनफरिद और दिलचस्प कहानी पर मबनी थी। सुधीर ने इस फिल्म में एक ऐसे नौजवान का किरदार अदा किया जो बेरोजगारी से तंग आकर एक भारी मुआवजे के एवज एक लड़की फिल्म की हीरोइन सीमा को दरिया में धक्का देकर अपनी दानिस्त में हलाक कर देता है और एहसासी जुर्म के सबब शहर से बहुत दूर एक बस्ती में गुमनाम जिंदगी बसर करने लगता है। इस किरदार में परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत ज्यादा था, जिससे सुधीर ने भरपूर फायदा उठाया और बहुत ही मायारी अंदाज से इस किरदार की अदायगी की। पाकिस्तानी फिल्मों का जंगजू हीरो लाला सुधीर के बारे में दिलचस्प बात यह है कि कैरियर के इब्तदाई बरसों में उन्हें कसरत से लाइट, संजीदा और रोमानी किरदार मिले। पंजाबी फिल्मों में उन्हें दाऊद चांद ने फिल्म बुलबुल में मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान में किसी हीरो की बैक वक्त दो फिल्में रिलीज होने का पहला एजाज भी सुधीर ही को हासिल हुआ, जब 31 जुलाई 1955 को झील किनारे और तूफान एक साथ मंजरे आम पर आईं। इसी तरह ये एजाज भी सबसे पहले लाला सुधीर ही को हासिल हुआ कि किसी हीरो की एक ही साल में दो अदद फिल्मों ने अजीमुशान गोल्डन जुबली का संगे मील अबूर किया। वो फिल्में थीं अताउल्ला शाह हाशमी की नगमाबार सोशल इस्लाही तस्वीर छोटी बेगम और इशफाक मलिक की एक्शन तस्वीरें तखलीक बागी। ये बात है 1956 की। छोटी बेगम में सुधीर का किरदार एक मगरिब परस्त नौजवान का था, जो अपनी घरेलू और सुघड़ मशरकी इकदार से प्यार करने वाली बीवी सबिया खानम को छोड़कर एक मॉडर्न हसीना आशा पोसले से इश्क करता है, लेकिन मशरकी बीवी की दुआ और इसार इसे राह रास्त पर ले आते हैं। छोटी बेगम के बरक्स बागी में इनका किरदार एक्शन से भरपूर था। यही वो फिल्म थी जिसने उन्हें सोशल फिल्मों के साथ साथ एक्शन की हामिल फिल्मों में भी मसरूफ कर दिया। वक्त के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ और मुश्किल नौयत के किरदारों में अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका तवातुर से मिलता रहा, जैसे कि अताउल्ला शाह हाशमी की दाता में वो एक जाली पीर के रूप में सामने आए, तो दाऊद चांद की हातिम में सखी हातिम का गेटअप इख्तियार किया। अनवर कमाल पाशा की अनारकली में वो शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के रूप में जलवागर हुए। सैफुद्दीन सैफ की करतार सिंह में एक मुसलमान सिपाही बने। अताउल्ला हाशमी की गालिब में मिर्जा गालिब की तमसील निभाई, जबकि मासूद परवेज की झूमर में उनका किरदार नफ्सियाती नौजवान का था। 1958 की रिलीज हिदायतकार इशफाक मलिक की शानदार सुपरहिट मूवी आखिरी निशान में वो एक बार भरपूर एक्शन रोल में नजर आए। 1960 में लाला सुधीर ने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत खुद ही बतौर डायरेक्टर फिल्म बनाने का फैसला किया और अपनी बेगम शिम्मी को
हीरोइन लेकर फिल्म साहिल बनाई, जिसके एक मंजर में उन्होंने जंगल के बादशाह शेर से फाइट भी की। ये फिल्म नाकाम रही। 1961 की रिलीज अजब खान में लाला सुधीर फरंगी साम्राज्य के अलावा आफरीदी कबीले के पख्तून मुजाहिद के रूप में भरपूर अंदाज में जलवागर हुए। 1963 में उन्होंने एक बार फिर डायरेक्शन के शोबे में तबाजमाई की और शिम्मी को हीरोइन लेकर एक्शन कॉस्ट्यूम मूवी बगावत तख्लीक की, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल पंजाबी फिल्मों के उस वक्त के सुपरस्टार अकमल बतौर विलन पेश हुए। हिदायतकार जमील अख्तर ने सुधीर के साथ मुतादिद फिल्में की और हर बार उन्होंने सुधीर को एक बेवकूफ या भोला भाला टाइप रोल दिया, खा वो मुजाहिद हो। लॉटरी सुधीर के करियर में एक कतई जुदागाना अहमियत की हामिल फिल्म थी। नो आमोस और कम उम्र अदाकारा मुमताज फिल्म में उनकी हीरोइन थी और वो नहायत बेवकूफ और सादा लौ देहाती के रूप में जलवागर थे। अवामी हलकों ने सुधीर के इस रूप को भी खूब सराहा। 1974 के बेहतरीन पंजाबी हीरो का निगार अवार्ड भी उन्होंने इस फिल्म से जीता, जबकि कबल अजीं वो माँ पुत्र के लिए भी बेहतरीन पंजाबी अदाकार का निगार अवार्ड हासिल कर चुके थे। 1975 की रिलीज इकबाल कश्मीरी की जादू में लाला सुधीर एक बार फिर कैरेक्टर रोल में नजर आए और अपनी शानदार किरदार निगारी से पूरी फिल्म को अपने नाम किया। इस फिल्म में वो मुमताज के बाप के रूप में मौजूद थे। जादू ने कराची सर्किट में शानदार गोल्डन जुबली मनाई। 1976 में इकबाल यूसुफ ने सूरत और सीरत के उन्वान से एक सोशल एक्शन फिल्म बनाई, तो इसमें उर्दू सिनेमा के दो अजीम हीरो मोहम्मद अली और वहीद मुराद के बाप के रोल में सुधीर को कास्ट किया गया। तीन नुमाया तरीन हीरोज भरपूर किरदारों में एक दूसरे के मुकाबिल थे। बिलखसूस मोहम्मद अली और सुधीर का इस फिल्म में जा बजा टकराव था, जिसे फिल्मी शायकीन ने बेहद पसंद किया और इस फिल्म ने शानदार गोल्डन जुबली मनाई। 1976 में इकबाल यूसुफ ने मोहम्मद अली और सुधीर के साथ सुल्तान राही को कास्ट किया और फिल्म अंदाता तख्लीक की। लोगों का ये पुराना दस्तूर है साबरा, जब किसी घर में भूख पलती है, बीमारी फैलती है और नाइंसाफी होती है तो लोग मुंह फेर कर गुजर जाते हैं। इस जमान ने आज तक किसी ताकतवर को कमजोर पर हाथ नहीं उठाने दिया। रो नहीं माँ, रो नहीं। मैं आज अपनी आज से इंतकाम में हैबत मलूस की हैबत को जलाकर भस्म कर दूंगा। पापा की आवाज तो हम सारी उम्र ही सुनते रहना, पैन सलामी भी जरूर देनी है। और फिर हिदायतकार इकबाल यूसुफ ने अंदाता का पार्ट टू सन ऑफ अंदाता के नाम से बनाया। चूंकि स्क्रिप्ट बेजान था, लिहाजा सन ऑफ अंदाता फ्लॉप रही और सुधीर भी मुतासिर नहीं कर सके। अपने 42 साल फिल्मी कैरियर में सुधीर ने 170 के करीब फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। सबीहा खानम और मुसर्रत नज़ीर के साथ इब्तदाई दौर में उनका इश्तराक बेहद कामयाब और मकबूल रहा, जबकि सन 65 से 75 के दरमियान नगमा और फिरदौस के साथ उनकी जोड़ी बेहद कामयाब रही। नीलो, शीरी, सिलोनी और रोजीना के साथ भी उन्हें पसंद किया गया। लाला सुधीर ने तीन शादियां रचाईं, एक घरेलू खातून से शादी की, जबकि दो शादियां फिल्मी हीरोइंस शिम्मी और जेबा के साथ की। जेबा के साथ उनकी शादी बमुश्किल एक डेढ़ साल ही चल सकी, जबकि दीगर दोनों शादियां कामयाब रहीं। सुधीर की रिलीज शुदा आखिरी फिल्म दाद दुश्मन तलाश थी, जो दुश्मन की तलाश का पश्तो वर्जन थी। ये फिल्म सुधीर के इंतकाल के 4 साल बाद रिलीज हुई, जबकि सुधीर का इंतकाल 19 जनवरी 1997 को हुआ।